हम अभी हैं हड़ताली चौक पर। यहाँ जो है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के द्वारा जो है बढ़ते उर्वरक एवं बीज की कालाबाजारी को लेकर के जो है एक दिवसीय धरना दिया गया है। तस्वीरों में देख सकते होंगे सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आपकी मुख्य मांग क्या है। हमारी देखिए मांग है किसान के हित के लिए कि जो खाद बीज की जो किल्लत है प्रदेश में, जिले में, इसको जो है मुख्यमंत्री महोदय और केंद्र सरकार जो है इसको दूर करे, और ये जो बिहार में जो खाद बीज की कालाबाजारी हो रही है इसको अविलंब रोके, क्योंकि किसान जो है अब खाद के चलते जो अपने खेत की बुआई अभी तक नहीं कर पा रहा है, खाद के लिए इधर उधर भटक रहा है, और बिहार सरकार जो है दारू के पीछे भाग रही है। तो अभी जो है दारू को साइड करके किसान पर ध्यान दें और जो किसान की समस्या है इसको दूर करें, और अगर ये चीज़ नहीं, किसान की समस्याओं को ये कालाबाजारी खाद बीज का जो ये नहीं दूर सरकार करेगी, तो इसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल जिले से लेकर प्रदेश, प्रदेश से लेकर के केंद्र तक जो है उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। क्या नाम हुआ? निशांत कुमार सिंह, किसान सेल जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय। हम लोग किसान सेल से हैं और पूरे बिहार में आज जो है किसान के तरफ से धरना प्रदर्शन पूरे राज्य में दिया जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में, और पूरी तरह से आप लोग को भी मालूम होगा कि किसान त्रस्त है। इस दुकान से उस दुकान खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, परेशान है। 400 रुपया ज़्यादा दे के खरीद रहा है, कहीं पैक्स में खाद नहीं है, सरकारी दुकान में जाइएगा वहाँ खाद नहीं मिलता है, तो काफ़ी जो है किसान भुगत रहा है, इसको परेशानी को झेल रहा है। इसलिए हम लोग की मांग है कि इसको सही रेट पर और घर के आसपास किसान को जो है खाद बीज मुहैया कराया जाए। इसके लिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं और जरूरत पड़े तो इसको और आगे बढ़ाएंगे, उग्र आंदोलन भी करेंगे।